क्रिकेट की तारीख का एक ऐसा वाकया जिसमें एक कंट्रोवर्सी ने दूसरी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया और जिसे आलमी मीडिया ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यू आर वॉचिंग क्रेजी स्पोर्ट्स क्रॉनिकल्स एंड दिस इज राजा हमजा। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पर्थ का मैदान, दोनों टीमें आमने सामने। पाकिस्तान 236 रन का टारगेट दे चुका था और ऑस्ट्रेलिया इसे बा आसानी चेज करता चला जा रहा था। दोनों टीम्स 80 की दहाई में परफॉर्मेंस के एतबार से स्ट्रॉन्ग टीम्स थी और इसी वजह से ये बहुत से तनाजात का शिकार भी रही थी। ऐसा ही तनाज़ा 1979 में पेश आया जब सरफराज दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करवा रहे थे और टीम ऑस्ट्रेलिया 236 रन के इस टारगेट को बा आसानी चेज करती दिखाई दे रही थी। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर एंड्रयू हेल्डरिज मौजूद थे जबकि डार्लिन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे। सरफराज नवाज ने बॉल करवाई, डार्लिन ने कवर स्ट्राइक खेली और बॉल सीधा सिकंदर बख्त के हाथ में चली गई। यहां तक तो सब सही था मगर आने वाला लम्हा बहुत सी खबरों की जीनत बनने जा रहा था और एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने जा रहा था। जैसे ही सिकंदर बख्त ने बॉल को विकेट की जानिब थ्रो किया तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद एंड्रयू ने बेइख्तियारी में बॉल को ना सिर्फ रोका बल्कि बॉल को बॉलर की जानिब थ्रो बैक किया। लेकिन यह देखना ही था कि सरफराज नवाज ने अपील के लिए एम्पायर की जानिब बढ़े और साथ ही आउट की अपील कर दी। ये सिर्फ एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार अपील की गई और टॉनी क्राफ्ट ने इसको डिसीजन आउट दे दिया। और अब यह हैंडल द बॉल आउट कंट्रोवर्सी बन चुका था जिसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया, ना सिर्फ इस आउट को बल्कि अंपायर के इस फैसले, जबकि टीम पाकिस्तान को भी इस तनकीद का सामना करना पड़ा। अब इस कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड पर बात करें तो टीम पाकिस्तान जिस वक्त टारगेट सेट कर रही थी उस वक्त आसिफ इकबाल यानी सेकंड इनिंग्स में अपनी बारी खेलते हुए 134 रन बना चुके थे जबकि टीम पाकिस्तान का टोटल स्कोर 285 हो चुका था। वसीम बारी आउट हुए और उसके बाद सिकंदर बख्त मैदान में उतरे और अभी उन्होंने खेलना शुरू ही किया था। सिकंदर बख्त नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद थे और एलन हर्स्ट बॉल करवाने के लिए आगे बढ़े। सिकंदर बख्त को क्रीज से बाहर देखते ही उन्होंने मैन कैडेड आउट कर दिया यानी कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अंपायर के करीब पहुंचकर उन्होंने बॉल को विकेट से लगा दिया और उसके बाद इस आउट की अपील करने पर डिसीजन आउट दे दिया गया। टीम पाकिस्तान को इस आउट पर शदीद गमो गुस्सा था और यही वजह बनी सरफराज नवाज के हैंडल द बॉल आउट अपील की। याद रहे कि 1957 में पहली बार हैंडल द बॉल पर साउथ अफ्रीका के रसल एडन को आउट किया गया था। एमसीसी ने इस कानून की वजाहत भी की कि हैंडल द बॉल का आउट उस वक्त दिया जाएगा जब बैट्समैन की तरफ से फील्डिंग में रुकावट का सामना होगा। इस पर ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन किम ह्यूज ने कहा कि इट वॉज नॉट क्रिकेट, सरफराज एक्शन वॉज नॉट प्रोफेशनल। पाकिस्तान टीम के उस वक्त के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद ने कहा कि सिकंदर बख्त के आउट का वाकया नहीं होना चाहिए था, इस छोटे से वाकये ने गेम को बदमजा किया और यही वाकया हिल्डिच के आउट की और अपील की वजह बना। ऐसे एक कंट्रोवर्सी ने जन्म दिया दूसरी कंट्रोवर्सी को। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। अपने मेजबान राजा हमजा को दीजिए इजाजत। टिल देन कीप वॉचिंग क्रेजी स्पोर्ट्स क्रॉनिकल।